दोस्तों आप देख रहे हैं देवदार का विशाल वृक्ष। ये वृक्ष है और बहुत सारे यहाँ पर इसी तरह के वृक्ष हैं, और इन वृक्षों से ही इस जगह की खूबसूरती है। सरकार ने बहुत सख्त नियम बनाए हैं कि ये यहाँ के पेड़ ना कटें, पर यहाँ के लोगों ने पेड़ काटने के लिए एक अजब तरकीब इजाद की है। ये क्या करते हैं कि पहले तो किसी भी पेड़ के चारों तरफ एक रिंग बना देते हैं, आप देख पा रहे होंगे, कुल्हाड़ी से इन्होंने पूरे पेड़ के चारों तरफ एक ये रिंग बना दिया। इस रिंग को ये गहरा करते जाएंगे ताकि वो पेड़ धीरे धीरे सूखे, और इस बीच ये उस पेड़ के नीचे आग लगाते जाएंगे। होगा क्या कि आखिरकार ये सैकड़ों वर्ष पुराना पेड़ मर जाएगा, सूख जाएगा, और जंगल के कानून के मुताबिक तब इस पेड़ की लकड़ी को यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जाने क्यों ये जो ट्रेंड है जारी है, क्यों प्रशासन इसको रोक नहीं पाता है, और क्यों ये लोग नहीं समझते कि ये पेड़ अगर यहाँ से इन्होंने मिटा दिए तो बाहर की दुनिया के लोग जो यहाँ देखने आते हैं वो नहीं आएंगे, और इनके जीवन की हरियाली भी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। ये मैदान हमें देखने में लगा तो बहुत खूबसूरत था, पर अब पता चला कि ये मैदान असल में बहुत सारे पेड़ों के बलिदान के बाद तैयार हुआ है, और ये जगह है, आप देखें कि सरची से ऊपर की तरफ एक ये मशहूर जाना पहचाना छोटा सा मैदान है, और ये इस पूरे इलाके का ट्रेंड है लकड़ी को हथियाने का, पेड़ों को बर्बाद करने का।